रायपुर के तीर्थ नगरी ब्रिजघाट में राधा अष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसकी शुरुआत गंगा मैया की जलधारा से नौका विहार कराने के उपरांत राधा रानी की पालकी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राधा बल्लभ मंदिर सूरदास आश्रम सेवा संस्थान के तत्वाधाम में ब्रिजघाट गंगा नगरी में राधा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ हर्षोल्लास से मनाया गया। श्री राधा बल्लभ मंदिर सेवा संस्थान और गंगा सभा आरती समिति के नेतृत्व में सैकड़ों भक्तों द्वारा वैदिक रीति रिवाज से राधा रानी का श्रृंगार किए जाने के उपरांत अभिषेक किया गया। इसके पश्चात राधा रानी को गंगा मैया की जलधारा में आकर्षक ढंग से सजाई हुई नावों में नौका विहार कराया गया। बेहद मनमोहक दृश्य वाले नौका विहार की एक झलक देखने को गंगा किनारे महिला बच्चों और साधु संतों समेत हजारों श्रद्धालु की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। नौका विहार के समापन पर गंगा सभा आरती स्थल पर राधा रानी की भव्य आरती का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं बच्चों समेत हजारों भक्तों की भीड़ भजनों पर जमकर झूमी। माँ भगवती राधा रानी जी का आज प्राकट्य हुआ, उन सभी का उत्सव आज हम ब्रज के रूप में ही हमारे ब्रजघाट में गंगा सभा आरती समिति की तरफ से और पूरे ब्रजघाट के सभी स्थानों की तरफ से माँ गंगा के चरणों में मना रहे हैं। माँ गंगा का यह स्थान सभी प्रत्येक दिन बहुत सुंदर आरती से हम गंगा मैया का दर्शन करते ही हैं और आज माँ राधा रानी की पालकी का दर्शन करेंगे। माँ गंगा ने आज गंगा जी में स्नान किया, माँ राधा रानी जी ने आज गंगा जी में स्नान भ्रमण किया और हम सब ने दर्शन किया। आज राधा जी का प्राकट्योत्सव है, उसका आनंद खूब आनंद से हम सभी लोग ले रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गंगा अष्टमी का भव्य आयोजन माँ गंगा की इस पावन नगरी में मनाया जा रहा है और श्री जी के प्राकट उत्सव के अवसर पर श्री जी का अभिषेक श्रृंगार छप्पन भोग नौका विहार और भव्य पालकी और शोभा यात्रा का कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। पालकी राधा बल्लभ आश्रम तक जाएगी और राधा बल्लभ आश्रम से फिर पालकी और भव्य शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई राधा बल्लभ आश्रम पे यात्रा का समापन होगा।